हेलो एवरीवन, दिस इज़ डॉक्टर एस के सिंह और आज हम स्टार्ट करेंगे एनाटॉमी ऑफ फ्लावरिंग प्लांट के पार्ट 6 से। और अभी तक मैंने 5 पार्ट अपलोड कर दिया है और जल्द ही हम इस सीरीज़ को कंप्लीट कर लेंगे। एंड आई होप कि आपको ये समझ में आ रहा होगा। सो एनाटॉमी ऑफ फ्लावरिंग प्लांट थोड़ा डिफिकल्ट है और लास्ट टाइम में जब आप नीट देने जा रहे होगे तो उस टाइम इसे करना थोड़ा सा टफ हो जाता है, क्योंकि इतना ज़्यादा कंसेप्चुअल होता है, इतना ज़्यादा याद करना होता है। इसलिए मैंने ट्राई किया है, क्योंकि देखिए बहुत सारे स्टूडेंट पूछ रहे हैं कि सर आपका कैसे आप कोर्स को कंप्लीट कराओगे, क्या गोल है। तो देखिए मेरा गोल तो बहुत साफ़ है कि आप लोगों को नीट में सिलेक्शन दिलाना। और मैक्सिमम टू मैक्सिमम मैं चाहता हूँ कि जितने भी टॉप मोस्ट कॉलेज हैं इंडिया में, लाइक मौलाना आज़ाद मेडिकल कॉलेज, लेडी हार्डिंग मेडिकल कॉलेज और मुंबई के कॉलेजेस हैं, एम्स हैं, वहाँ पे मेरे बच्चे हों, और ताकि वहाँ बताएं कि हाँ मैंने डॉक्टर एस के सिंह से पढ़ा है, समझा है, ये मेरा गोल है। और आप बिल्कुल निश्चिंत रहें कि कोर्स ख़त्म हुआ या नहीं हुआ, क्योंकि मेरा ओरिएंटेशन अलग है, डिफरेंट है लोगों से। मैं चाहता हूँ कि पहले जो टफ़ चीज़ें हैं वो जल्दी से ख़त्म हो, और आसान वाला तो बहुत इजी हम लास्ट में भी ख़त्म कर लेंगे। और मैंने ये भी डिसाइड किया है कि अब वीक में 3 दिन मेरी वीडियो आएगी, इसमें ट्यूसडे, थर्सडे और सैटरडे 3 दिन वीडियो आएगी। और इसका टाइम जो होगा मोस्ट प्रोबली 5 o'clock होगा, तो आप 5 o'clock आके और मेरे चैनल पे देख सकते हैं ट्यूसडे, थर्सडे, सैटरडे। और हम ट्राई करेंगे, इसके बाद हम बायो मॉलिक्यूल्स करेंगे, जो कि बहुत ही इम्पॉर्टेंट है और कंसेप्चुअल भी है, थोड़ा टफ भी है। तो हम टफ टॉपिक को अभी लेके चल रहे हैं ताकि आपके लिए थोड़ा इजी हो जाए। और हम एक रिविजन प्लान भी स्टार्ट करेंगे, जिसमें आपको मैं एक होमवर्क टाइप का दूंगा कि जैसे बायोलॉजिकल क्लासिफिकेशन ऑफ रिविजन करके रखें, फिर हम उसके MCQ करेंगे। सारा प्लान आउट है मेरा, तो आप निश्चिंत रहें, आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें, ताकि मैं इनकरेज हूँ। और जो भी आपको डाउट हो तो कमेंट में ज़रूर लिखें कि आपको क्या चाहिए और क्या आप सोच रहे हैं, ताकि मुझे पता चले तो उसके रिगार्डिंग मैं वीडियो बना सकूँ। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। डाइकॉट लीफ हमने रूट के बारे में देख लिया, अब हम डाइकॉट लीफ के बारे में देखेंगे। दैट इज़ कॉल्ड डॉर्सी वेंट्रल अपियरेंस। डॉर्सी वेंट्रल का मतलब ये होता है, सपोज़ कि मान लीजिए ये लीफ है, तो लीफ जो होता है, तो लीफ जब हम ऊपर से देखते हैं और नीचे से देखते हैं तो ऊपर वाले को डॉर्सल कहते हैं और नीचे वाले को वेंट्रल बोलते हैं। तो दैट इज़ कॉल्ड डॉर्सी वेंट्रल लीफ। कि ऊपर से अगर हम देखेंगे तो दैट इज़ कॉल्ड डॉर्सल सरफेस, और नीचे से देखेंगे दैट इज़ कॉल्ड वेंट्रल सरफेस। आई थिंक नहीं, मैंने यहाँ पे थोड़ा आपको अपोजिट बता दिया। वेंट्रल मतलब ऊपर वाला, नीचे मतलब डॉर्सल मतलब नीचे वाला। देखिए ऐसे सिंपल सा कैसे आप याद रखेंगे, मान लीजिए कि अर्थवॉर्म है, तो सन से जो दूर सरफेस है, सन से नीचे वाला सरफेस दूर होगा, ऊपर वाला नज़दीक होगा। तो सन से जो दूर है दैट इज़ कॉल्ड डॉर्सल, और जो नज़दीक है दैट इज़ कॉल्ड वेंट्रल। तो लीफ में भी यही होगा, ऊपर वाले सरफेस को वेंट्रल, नीचे वाले सरफेस को डॉर्सल कहेंगे। सो वर्टिकल सेक्शन ऑफ लीफ लैमिना, दे कंसिस्ट ऑफ, जो भी लीफ लैमिना है, ये पूरा का पूरा जो स्ट्रक्चर है लीफ लैमिना है। तो वर्टिकल सरफेस ऑफ लीफ लैमिना, दे कंसिस्ट ऑफ द एपिडर्मिस, मेसोफिल सेल एंड वैस्कुलर सिस्टम। तो लीफ लैमिना में सारी चीज़ अवेलेबल होते हैं। यहाँ पे आप देख सकते हैं जो आउटर लेयर है, ये आउटर लेयर है, जो पिंकिश लेयर है दैट इज कॉल्ड एपिडर्मिस। एंड बंडल शीट से जैलम फ्लोएम लीफ के अंदर होते हैं। ईयर कैविटी भी प्रेजेंट होता है, द स्पॉन्जी मेसोफिल सेल होते हैं, दिस इज अ करेक्टरिस्टिक फीचर, स्पॉन्जी मेसोफिल सेल्स एंड सब स्टोमेटल कैविटी भी अंदर होता है। स्टोमेटा होता है जो माइन्यूट पोर होता है, विच इज रिस्पॉन्सिबल फॉर द गैसेज एक्सचेंज एंड एंट्री ऑफ ऑक्सीजन एंड एंट्री ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड और रिलीज ऑफ O2। सो एपिडर्मिस हम अगर बात करें, देखिए आप पिंक नज़र आ रहा होगा, द एपिडर्मिस, द अपर एंड लोअर एपिडर्मिस इज कवर्ड बाय द क्यूटिकल, ताकि पानी बाहर ना निकले और वाटर लॉस ना हो, तो क्यूटिकल यहाँ पे प्रेजेंट होता है। एंड दिस एपिडर्मिस प्रेजेंट बोथ अपर सर्फेस एंड लोअर सर्फेस, अपर सर्फेस इज कॉल्ड वेंट्रल सर्फेस एंड लोअर सर्फेस इज कॉल्ड डॉर्सल सर्फेस ऑफ द लीफ। सो एपिडर्मिस इज प्रेजेंट बोथ द सर्फेस
नाउ द स्टोमेटा मेनली प्रेजेंट ऑन द लोअर सर्फेस ऑफ द लीफ, अपर सर्फेस में थोड़े कम होते हैं, बट मेजोरिटी ऑफ स्टोमेटा दे आर प्रेजेंट ऑन द लोअर सर्फेस, दैट इज कॉल्ड डॉर्सल सर्फेस। मेजोफिल सेल की बात करें, यहाँ पे आप मेजोफिल सेल का डायग्राम भी देख सकते हैं, जो मैंने अभी बताया कि जो स्पॉन्जो ये मेजोफिल सेल्स हैं, ये जो गोल 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 नजर आ रहे हैं आपको, दे आर कॉल्ड मेजोफिल सेल, जो कि स्पॉन्जी नेचर होते हैं, फूले हुए होते हैं। सो मेजोफिल सेल्स आर द मेन साइट फॉर द फोटोसिंथेसिस, यहीं पर फोटोसिंथेसिस होता है। क्यों यहीं पे होता है? बिकॉज द क्लोरोप्लास्ट इज प्रेजेंट, क्लोरोफिल इज प्रेजेंट, बिकॉज दे कंसिस्ट ऑफ द क्लोरोफिल। तो क्लोरोफिल के अंदर रिएक्शन सेंटर होते हैं, मैं ट्रांसपोर्ट में आपको बताऊंगा। तो क्लोरोफिल के अंदर रिएक्शन सेंटर होते हैं, एंड दिस रिएक्शन सेंटर इज हेल्पफुल फॉर द रिसीव द सनलाइट, और सनलाइट से प्रोटोन वगैरह आता है और उससे फोटोसिंथेसिस का प्रोसेस स्टार्ट हो जाता है। सो इट इज प्रेजेंट बिटवीन द अपर एंड लोअर एपिडर्मिस। मान लीजिए कि अपर एपिडर्मिस है, लोअर एपिडर्मिस है, इसके बीच में जो होता है हमारा मेसोफिल सेल होता है। सो मेसोफिल सेल आर मेड अप ऑफ पेरेन्काइमा। मेसोफिल सेल्स जो होते हैं किससे बने होते हैं? पेरेन्काइमा से बने होते हैं, और पेरेन्काइमा दो टाइप के होते हैं, दैट इज कॉल्ड पैलिसेड पेरेन्काइमा और स्पॉन्जी पेरेन्काइमा। जो स्पॉन्जी मेसोफिल सेल आप देख रहे थे उस डायग्राम में, तो स्पॉन्जी पेरेन्काइमा के वजह से ही स्पॉन्जी मेसोफिल सेल्स होते हैं। सो पेडिसिल, अगर हम बात करें पैलिसेड पेरेन्काइमा के, सो दे आर प्रेजेंट ऑन द अपर साइड्स एंड दे आर मेड अप ऑफ इलोंगेटेड टाइप ऑफ सेल्स। ये काफ़ी इलोंगेटेड टाइप ऑफ सेल्स से बने होते हैं और अपर साइड्स पे, मेनली लीफ के अपर साइड पे होते हैं। और अगर हम स्पॉन्जी पेरेन्काइमा की बात करें, दे आर प्रेजेंट बिलो द पैलिसेड पेरेन्काइमा। जो पैलिसेड पेरेन्काइमा होता है उसके नीचे स्पॉन्जी पेरेन्काइमा प्रेजेंट होते हैं। सो द पेरेन्काइमा जो होते हैं, दे आर स्ट्रक्चरल ऑफ द मेसोफिल सेल्स। और यहाँ पे और भी डिफरेंस आप देख सकते हैं, पैलिसेड पेरेन्काइमा जो होते हैं, दे आर द सेल्स आर अरेंज इन वर्टिकली एंड पैरेलल टू ईच अदर। वर्टिकली भी अरेंज होते हैं और पैरेलल टू ईच अदर होते हैं, जबकि स्पॉन्जी पेरेन्काइमा में देखेंगे तो ये ओवल और राउंडेड होते हैं, सो लुक लाइक स्पॉन्जी। अब हम वैस्कुलर सिस्टम की बात करते हैं, तो वैस्कुलर सिस्टम दे इंक्लूड द वैस्कुलर बंडल एंड दे आर सराउंडेड बाय द बंडल शीट सेल एंड विच इज कंज्वाइंट। जो वैस्कुलर बंडल होते हैं कंज्वाइंट कोलेट्रल एंड क्लोज होते हैं, इसका मीनिंग मैंने बता दिया है, कंज्वाइंट कोलेट्रल एंड क्लोज। सो वैस्कुलर सिस्टम दे इंक्लूडेड द वैस्कुलर बंडल विच इज कंज्वाइंट कोलेट्रल एंड क्लोज, दे आर सीन इन वेन्स और मिडरिप। जो ये मिडरिप है और वेन्स है, इसके अंदर ही आपको वास्कुलर बंडल देखने को मिल सकता है। इनमें वेनेशन कहते हैं, वेनेशन का मतलब होता है कि द अरेंजमेंट ऑफ वेन्स एंड वेनलेट्स इन द लीफ लैमिना। मतलब कि सपोज ये लीफ लैमिना है तो इसके अंदर ये मिडरिप होगा और भी बहुत सारे वेन्स और वेनलेट्स का जो अरेंजमेंट होता है, दैट इज कॉल्ड वेनेशन। सो इनमें बेसिकली रेटिकुलेट वेनेशन होता है डाइकॉट लीफ के अंदर। रेटिकुलेट मतलब नेटवर्क, नेटवर्क का मतलब क्या होगा कि वेन्स ऐसे 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 चारों तरफ टेढ़े मेढ़े फैले होंगे। सो रेटिकुलेट वेनेशन, बहुत सारे वेनेशन होते हैं, रेटिकुलेट वेनेशन, पैरेलल वेनेशन। सो डाइकॉट लीफ के बारे में अगर हम बात करें तो उसमें रेटिकुलेट वेनेशन मिलता है। रेटिकुलेट वेनेशन दैट इज नेटवर्क ऑफ वेन्स और वेनलेट्स, उसमें चारों जो वेन्स होंगे नेटवर्क की तरह फैले हुए होते हैं। So that is called reticulate venations. Now we talk about the monocot leaf. हमने dicot leaf पढ़ लिया, अब हम monocot leaf के बारे में पढ़ेंगे। So यहाँ पे देखिए जो pink color का है, they are same epidermis और ये भी epidermis ऊपर की तरह है, तो that is called adaxial epidermis, और नीचे की तरफ है तो that is called abaxial epidermis, क्योंकि लीफ है तो ऊपर भी होगा नीचे भी होगा और इसके बीच में मेसोफिल सेल्स होते हैं। आप ग्रीन कलर का पार्ट ही देख पा रहे हैं, दिस इज कॉल्ड मेसोफिल सेल्स। जाइलम फ्लोएम इज प्रेजेंट, सब स्टोमेटल कैविटी इज ऑल्सो देयर फॉर द एक्सचेंज ऑफ गैसेस, CO2 अंदर जाएगा और O2 बाहर निकलेगा। सो स्टोमेटा आर प्रेजेंट ऑन द बोथ सर्फेस ऑफ द एपिडर्मिस। वहाँ पे हम डाइकॉट में देख रहे थे कि नीचे के सर्फेस पे ज़्यादा स्टोमेटा होते थे, जबकि हम अगर मोनोकॉट लीफ की बात करें तो इसमें स्टोमेटा जो होंगे हमारे लोअर पोर्शन पे ज़्यादा होते हैं। मेसोफिल सेल इज नॉट डिफरेंशिएटेड इनटू द पैलिसेड और पेरेन्काइमा।
स्पॉन्जिंग पैनिकाइमा, उसमें हमने देखा था कि मेजोफिल सेल वेल डिफरेंशिएटेड इनटू द पैलिसेड एंड स्पॉन्जी पैनिकाइमा, बट यहाँ पे ऐसा डिफरेंशिएट फीचर्स नहीं देखने को मिलता है। बुलीफॉर्म सेल्स, इसमें खास बात होती है कि इन ग्रासेस द एपिडर्मल सेल, जो एपिडर्मल सेल्स होते हैं ये मॉडिफाई हो जाते हैं और लार्ज एम्प्टी एंड कलरलेस हो जाते हैं, दैट इज कॉल्ड बुलीफॉर्म सेल्स। तो बड़े बड़े गोल से होते हैं, कलरलेस होते हैं, उसमें कुछ भरा नहीं होता है, एम्प्टी होते हैं और लार्ज होते हैं, दे आर कॉल्ड बुलीफॉर्म सेल्स। दे आर कैरेक्टरिस्टिक फीचर ऑफ ग्रासेस एंड दिस इज अ मॉडिफिकेशन ऑफ एपिडर्मल सेल्स। एपिडर्मल सेल्स मॉडिफाई होकर बड़े हो जाते हैं, उन्हीं को बुलीफॉर्म सेल्स कहते हैं। एंड दे आर एब्जॉर्ब वाटर एंड दे बिकम टर्जिट। अगर वाटर एब्जॉर्ब कर लिया तो ये फूल के टर्जिट हो जाते हैं। सो ड्यूरिंग द वाटर स्ट्रेस कंडीशन, अगर मान लीजिए कि किसी दिन पानी नहीं मिल पाया प्लांट को और पानी की कमी हो गई, तो दैट इज कॉल्ड वाटर स्ट्रेस कंडीशंस। तो उस कंडीशन में क्या होगा कि जो लीफ होगा वो कर्ल शेप हो जाएगा, मतलब अपने इनवर्ड मूव कर लेगा। सो द मिनिमाइज द वाटर लॉस, सो दिस इज अ कर्लिंग मूवमेंट ऑफ लीफ, दैट इज कॉल्ड, दिस इज ड्यूरिंग द वाटर स्ट्रेस कंडीशंस टू मिनिमाइज द वाटर लॉस। इसमें जो वेनेशन होता है, पैरेलल वेनेशन होता है, उसमें हमने देखा था जो वेनेशन होता था रेटिकुलेट हो जाता था। तो आप देख सक पा रहे, दिस इज कॉल्ड पैरेलल टाइप ऑफ वेनेशन। वेनेशन मैंने डिफिनेशन बताया था कि अरेंजमेंट ऑफ वेन्स और वेनलेट्स इन द लीफ लैमिना इज कॉल्ड वेनेशंस। तो इसमें पैरेलल वेनेशन होता है, और यहाँ पे जो ऊपर वाला है दैट इज कॉल्ड रेटिकुलेट वेनेशंस। तो मतलब नेटवर्क लाइक स्ट्रक्चर्स होगा, यहाँ पे देख पा रहे हैं ऐसे नेटवर्क लाइक स्ट्रक्चर, दैट इज कॉल्ड रेटिकुलेट वेनेशंस। सो दिस इज इंपॉर्टेंट डिफर। देखिए मैं आपको रिलेट कर रहा हूँ, अगर आप 11th स्टडिंग है और स्कूल जा रहे हैं और स्कूल में क्वेश्चन आए कि वॉट इज द डिफरेंस बिटवीन द मोनोकॉट और डाइकॉट लीफ, तो आप इसको डिफरेंशिएट करके लिख सकते हैं। सो मोनोकॉट लीफ हैव अ इंटरकैलरी मेरिस्मेटिक, दिस इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, नीट में आया हुआ क्वेश्चन है कि मोनोकॉट लीफ के अंदर इंटरकैलरी मेरिस्मेटिक होता है। मैंने मेरिस्मेटिक टिश्यू के बारे में बताया है कि ये जो मेरिस्मेटिक टिश्यू होते हैं ऑलवेज डिवाइडिंग टिश्यू होते हैं, हमेशा डिवाइड करते रहते हैं और इनका ग्रोथ होता रहता है। अब हम बात करेंगे सेकेंडरी ग्रोथ के बारे में कि सेकेंडरी ग्रोथ क्या होता है। सो देखिए प्राइमरी ग्रोथ का मतलब ये होता है कि अगर हम प्राइमरी ग्रोथ के बारे में बात करें तो प्राइमरी ग्रोथ में प्लांट का हाइट इंक्रीज हो जाता है। अब प्लांट के हाइट के बारे में क्या हो सकता है कि रूट का हाइट बढ़ेगा, मतलब रूट इलोंगेट होकर बड़ा हो जाएगा, स्टेम इलोंगेट होकर बड़ा हो जाएगा, लीफ इलोंगेट होकर बड़ा हो जाएगा, दैट इज कॉल्ड प्राइमरी ग्रोथ। अगर हम सेकेंडरी ग्रोथ के बारे में बात करें तो इसमें मतलब कि लेंथ वाइज तो बड़ा होगा ही होगा, सेकेंडरी ग्रोथ में लेंथ भी होता है, बट इसमें क्या होता है कि ये थोड़ा मोटा होगा, यानी इसका ग्रिथ बढ़ेगा, मतलब कि ये मोटे होंगे। सो ग्रोथ ऑफ रूट एंड शूट इन लेंथ वाइज इट इज ड्यू टू द एपाइकल मेरिस्मेटिक्स एंड दिस इज कॉल्ड प्राइमरी ग्रोथ। इसे हम क्या बोलते हैं, प्राइमरी ग्रोथ करते हैं। अगर उसका मतलब कि गर्थ बढ़ेगा सो दैट इज कॉल्ड सेकेंडरी ग्रोथ, मतलब मोटा हो जाएगा। अगर स्टेम मोटे हो जाएंगे या रूट थोड़ा थिक हो जाएगा, लीफ थोड़ा थिक हो जाएगा, तो उनको हम सेकेंडरी ग्रोथ कहते हैं। सो प्राइमरी ग्रोथ इज कंसर्न फॉर द लेंथ वाइज ग्रोथ, मतलब कि प्लांट का हाइट बढ़ रहा है। अगर प्लांट मोटा हो रहा है तो दैट इज कॉल्ड सेकेंडरी ग्रोथ। सो द ऊपर जो होता है, जैसे ग्रोथ ऑफ रूट और शूट इन लेंथ वाइज इट इज ड्यू टू द एपाइकल मेरिस्टेम्स और इंक्रीज द गर्थ, दैट इज कॉल्ड सेकेंडरी ग्रोथ। एंड सेकेंडरी ग्रोथ के लिए लेटरल मेरिस्टेम्स बहुत ही रिस्पॉन्सिबल होता है, और एक क्वेश्चन नीट में भी आया है कि बताइए कि अपाइकल ग्रोथ के लिए, मतलब कि अगर हमें प्राइमरी ग्रोथ अगर करना है तो कौन से मेरिस्मेटिक रिस्पॉन्सिबल होता है, अपाइकल। अगर सेकेंडरी करना होता है तो लेटरल मेरिस्टेम्स बहुत ही इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है। सो लेटरल मेरिस्टेम्स बेसिकली दो टाइप को हम डिवाइड करते हैं, वास्कुलर कैम्बियम एंड कॉर्क कैम्बियम। तो इसमें हम देखेंगे कि वास्कुलर कैम्बियम और कॉर्क कैम्बियम क्या होता है और कैसे काम करता है वो देखेंगे। तो अब बात करते हैं हम वास्कुलर कैम्बियम के बारे में। वास्कुलर कैम्बियम कुछ नहीं होता कि अगर मान लीजिए प्लांट का स्टेम है और स्टेम का एक सेंटर पोर्शन होगा, दैट इज कॉल्ड फ्लोएम होगा इसके अंदर, और मान लीजिए इसके अंदर यहाँ पे मैंने यहाँ पे जाइलम बना दिया, तो जाइलम एंड फ्लोएम को मिला के कहते हैं हम वास्कुलर कैम्बियम। तो जाइलम प्लस फ्लोएम इज कॉल्ड वास्कुलर कैम्बियम। सो इन यंग स्टेम, जो यंग स्टेम होता है इट इज प्रेजेंट इन द पैचेस, क्योंकि अभी यंग है
तो ऐसे पैचेस में प्रेजेंट होंगे जाइलम एंड फ्लोएम एज अ सिंगल लेयर बिटवीन द जाइलम एंड फ्लोएम, लेटर इट इज अ कंप्लीट रिंग बना लेंगे, कंप्लीट एक वेसल्स टाइप का स्ट्रक्चर बन जाएगा. सो हाउ द कैम्बियम रिंग, हाउ दिस रिंग और हाउ दिस कैविटी और हाउ दिस रिंग इज कम्प्लीटेड एट फॉर्म. सो इन डाइकोट स्टेम की अगर बात करें जो हमने पहले देखा था, द सेल्स ऑफ कैम्बियम प्रेजेंट बिटवीन द प्राइमरी जाइलम एंड प्राइमरी फ्लोएम. प्राइमरी जाइलम जो पहला जाइलम बनता है और प्राइमरी फ्लोएम जो पहली बार फ्लोएम बनता है, सो दैट इज कॉल्ड इंटरफेसिकुलर कैम्बियम. मतलब कि इन डाइकोट स्टेम द सेल्स ऑफ द कैम्बियम प्रेजेंट बिटवीन द प्राइमरी जाइलम एंड प्राइमरी फ्लोएम, दिस इज कॉल्ड इंटरफेसिकुलर कैम्बियम. नाउ द सेल्स ऑफ द मेडुलरी सेल्स, द सेल्स ऑफ मेडुलरी सेल एडजॉइनिंग दिस इंट्राफेसिकुलर कैम्बियम एंड दे बिकम मेरिस्टेम्स. सो दे फॉर्म अ इंटरफेसिकुलर कैम्बियम, ये इंटरफेसिकुलर कैम्बियम बनाता है, यानी कैम्बियम रिंग और मेडुलरी रिंग दोनों मिलकर इंटरफेसिकुलर कैम्बियम बनाते हैं. ये भी नीट में आया हुआ क्वेश्चन है. सो इंटरफेसिकुलर कैम्बियम इज फॉर्म बाय द मेडुलरी रिंग्स और कुछ मेरिस्टेमेटिक टिश्यू एडजॉइन होकर बनाते हैं. एंड वॉट इज द एक्टिविटी ऑफ कैम्बियम रिंग, सो कैम्बियम रिंग बिकम एक्टिव एंड बिगिन टू कट ऑफ न्यू सेल्स बोथ टुवर्ड और इनर साइड ऑफ एंड आउटर साइड्स, एंड दिस सेल कट ऑफ टुवर्ड द पेरिफरी दे मैच्योर इन टू द सेकेंडरी फ्लोएम. अगर पेरिफरी के साथ एक कट ऑफ हो जाते हैं तो वो सेकेंडरी फ्लोएम बनाते हैं जो हमारे कैम्बियम रिंग होता है. कैम्बियम जो होता है मोर एक्टिव ऑन द इनर साइड्स, जो इनर साइड होता है उसमें कैम्बियम बहुत ज़्यादा एक्टिव होता है जिसके वजह से अमाउंट ऑफ सेकेंडरी जाइलम प्रोड्यूस मोर देन सेकेंडरी फ्लोएम. सेकेंडरी जाइलम इसलिए ज़्यादा बनता है एज कम्पेयर टू द सेकेंडरी फ्लोएम. क्यों? क्योंकि कैम्बियम जो होता है इनर साइड पर बहुत ज़्यादा एक्टिव रहता है. देयरफॉर द प्राइमरी एंड सेकेंडरी फ्लोएम गेट ग्रेजुअली क्रश ड्यू टू द कंटिन्यू फॉर्मेशन एंड एक्युमुलेशन ऑफ सेकेंडरी जाइलम. सेकेंडरी जाइलम ज़्यादा बनता है. क्यों ज़्यादा बनता है? क्योंकि कैम्बियम इनर साइड पे एक्टिव होता है तो उसे क्रश करके, उसे पुश करके और अपना नंबर इंक्रीज करता है, इसलिए प्राइमरी एंड सेकेंडरी फ्लोएम जो होता है धीरे धीरे क्रश आउट हो जाता है. तो ये थोड़ा सा कंसेप्चुअल है. कुछ एमसीक्यू के बारे में बात करते हैं कि इंटरफेसिकुलर कैम्बियम डेवलप फ्रॉम द सेल्स, कौन से सेल से बनता है? तो अभी मैंने बताया कि मेडुलरी रेज से जो होता है इंटरफेसिकुलर कैम्बियम बनता है. तो देख पा रहे हैं इतना आसानी तरह से आप बता देंगे. एंड मेरिस्टेमेटिक टिश्यू रिस्पॉन्सिबल फॉर द इंक्रीज द गर्थ ऑफ द ट्री ट्रंक. अगर हम हाइट के बारे में बात करें तो अपाइकल मेरिस्टेमेटिक इसका आंसर होगा, बट गर्थ के बारे में बात करेंगे तो व्हाट इज आंसर फॉर दैट? लेटरल मेरिस्टेमेटिक आंसर फॉर दैट. और ये भी नीट में आया हुआ क्वेश्चन है. तो आई होप कि आपको वीडियो ये अच्छा लगा होगा, तो प्लीज़ इसे लाइक ज़रूर करें. और अगर आप इस चैनल को सब्सक्राइब अभी तक नहीं किया तो फ्री ऑफ कॉस्ट है, आप फ्री ऑफ कॉस्ट घर बैठे इतने अच्छे वीडियो आप देख पा रहे हैं. तो इस चैनल को सब्सक्राइब करेंगे तो आपको और वीडियो मिल सकता है. तो इस चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें और शेयर करें, लोगों को बताएं. थैंक यू सो मच.